जिले में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ प्रशासन जागा है, कार्रवाई तेज कर दी है। लालकुआ में 15 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर 2 लाख का जुर्माना वसूला गया, जबकि हल्द्वानी में नगर निगम ने अभियान चलाकर कई कारोबारियों से पॉलिथीन पाए जाने पर 5,000 रुपए जुर्माना वसूला। वहीं लालकुआ में तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में पॉलिथीन के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान इंदिरा नगर द्वितीय में टिंकू उर्फ मुन्ना के गोदाम से 15 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ी। इसके अलावा कार रोड क्षेत्र में 2 दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। यहां 6 दुकानदारों पर 20-20 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। रोड बिंदुखट्टा में एक छापेमारी की गई है, जिसमें किसी टिंकू नाम के व्यक्ति का ये माल बताया जा रहा है। ये उसने यहाँ पर किराए पर एक गोदाम लिया हुआ था। इसमें लगभग 10-12 क्विंटल माल पकड़ा गया है, जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित प्लास्टिक से बना हुआ है, और ये पूरा प्रतिबंधित माल है। इस सभी को सीज किया जा रहा है। अभी जो मौके पर मालिक है वो फरार है, उसकी ढूंढ की जा रही है। आज राजा सुराग पुलिस तथा नगर पंचायत की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की।